नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। अभी हम सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड अंतर्गत महेशपुर पंचायत में हैं और मेरे साथ अभी जो इंटरव्यू देने के लिए संतो बाबा जी बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पे इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तरीके के रामबाम इलाज जो छू मंत्र में कर देते हैं, तो हम उनसे बहुत समय निकाले हैं और उनसे मिलने का प्रयास किए हैं। तो बाबा मिले हैं अपने आवास पे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम या बाबा का? आपका नाम? मेरा नाम तो सुरेश कुमार हुआ। अच्छा, संतो बाबा वो आप उनके लेके? गुरु महाराज हुआ। अच्छा, जिसको हम मानते हैं कुल देवता जी। हुआ, कब से आप ये संतो बाबा का दरबार चलाते हैं? 2017 से। क्या क्या चीज का पेशेंट का इलाज करते हैं आप? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये पेशेंट से ही पूछिए। अभी हम गाड़ी लगाए ही थे कि एक देखे राजविराज का कोई लड़की आई हुई थी। अब लाते हुए तो हमने देखे, लेकिन ये जरूर देखे कि वो बोली कि हमको टांग के लाए थे, लेकिन अभी हम यहाँ से चलने लगे। हाँ, तक सच्चाई है? आप लोग तो देखे होंगे ना कहाँ तक सच्चाई है। वो तो टांग उसको हम बाहर में अभी पूछे, यहाँ आते वक्त में हमको रोका गया रास्ते में टेम्पो पे। हम उनसे पूछे मिले तो बोला हमको कि 3 महीना से ऐसे था, दवाई वाई हर जगह किए, नहीं ठीक हुआ, आपके पास आए, अभी हम जा रहे हैं चल के, अभी रास्ते में मिला हमको। लेकिन फिर ये भी बोली थी कि अभी तो हमको चल रहे हैं, खुशी का आंसू था उसकी आंख में, लेकिन घर पे जाएंगे तो फिर ना वैसा हो जाए। तो ये तो बहुत दूर का बात है ना, अभी तो चल तो रहा है ना सामने में जी। तो अभी वाला विश्वास करेंगे कि घर वाला विश्वास करेंगे? नहीं, जो हुआ है ऊपर न जाएंगे। तो अभी जो हुआ है देखा जाए तो अभी 3 महीना से परी थी, अभी चल रही है। आपका क्या उम्र रहा होगा? 1/1/2000 में जन्म है, तो लगा लीजिए ना 24वां साल चल रहा है। आप शादी किए हैं? नहीं, शादी तो नहीं किए। नहीं किए हैं, इसीलिए महिला के प्रति आप कुछ ध्यान नहीं देते हैं? ऐसा बात नहीं है जो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि आपके दरबार में मैंने गया था और गया तो देखा कि लाखों लोग पटना गायघाट वगैरह वगैरह बिहार के हरे कोने से आए हैं। और आने के बाद एक ही आपका जो पंडाल लगा हुआ था उसमें जेंट्स और महिला, उसमें किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, महिला पे सब चढ़ चुका था। देखिए, 2017 में जब धाम चालू हुआ था ना, तो बांस का हर एक सिस्टम बनाया गया था, ठीक ना। उसके बाद लॉकडाउन के वजह से 2 साल जब बंद रहा तो बांस का सिस्टम खत्म हो चुका है। तो उसके बाद इतना भीड़ नहीं था, भीड़ बहुत कम था, 400-500 हम आराम से देखते थे, सबको देखते थे, भर दिन में देख करके कोई न रहता था, सब अपने अपने घर जाते थे, सब अपना अपना खाना पीना। यहाँ दुकान भी उतना नहीं था, एगो दुगो दुकान था। अभी ये 1.5 मंथ से काफ़ी एकदम भीड़ भाड़ है। तो अब व्यवस्था के लिए इतना भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं तो व्यवस्था तो होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अभी देख, जैसे आप गए होंगे मंदिर पर तो ग्रिल नहीं था, आज ग्रिल लग गया। उसी तरह से आप करेंगे, बांस का व्यवस्था नहीं करेंगे, हमको लगता है अगर बांस का करते हैं तो पैसा तो फंस जाता है, अच्छा नहीं होता है, तो लोहा का ही कर रहे हैं व्यवस्था, बन रहा है, काम हो रहा है। सर, आपके यहाँ दरबार जो लगता है तो उसके लिए ये सुविधा नहीं की जानी चाहिए कि मान के चलिए आप एक दिन में जितना देखते हैं उसके बाद दूसरा नंबर सिस्टम जो लगाया जाता है जैसे अनेकों बाबा लगाते हैं, क्योंकि आखिर जो दूर से आते हैं वो घूम के जाते हैं बेचारे। एक हमको गायघाट का मिला हुआ पेशेंट है, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आप तो सही बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर अगर हम लगाते हैं तो ये गाँव है, ठीक है ना, गाँव में अनेक तरीका के लोगों हैं यहाँ पे। अगर हम नंबर लगाते हैं, कोई पर्ची लाते हैं और उस पर मोहर भी मार देते हैं तो वो 2 कॉपी निकल जाता है दूसरा, और पैसा ले लेगा उनसे, इससे पहले हुआ था, इसलिए हम अब नंबर नहीं लगाते हैं। अब रेलिंग सिस्टम किया जाएगा, जो सुबह आएंगे रेलिंग में लगा दिया जाएगा, होते जाएगा निकलते जाएगा, होते जाएगा निकलते जाएगा, घुमा के लाया जाएगा उसको, जैसे पहले था सेम व्यवस्था, लेकिन लोहा का किया जाएगा। या नहीं तो फिर आप अपने 5 कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता को नियुक्त कीजिए। और जितना आप लोग देखे होंगे वो कार्यकर्ता ही था, लेकिन वो सबको चोट लग गया, धकलम धुका में मेरा भी हाथ में लग गया चोट। बीच में महिला पुरुष तो भीड़ में था, ऊपर में बांस पे देखे सब तरह तरह के लोग चढ़े हुए थे एकदम से, इसलिए पूजा को अभी हम बंद किए, जब देखे अपने आँख से तो पूजा को बंद किए, क्योंकि भगदड़ बहुत ज्यादा भगदड़ था ना। आगे से सुधार की जाए, क्योंकि अभी आप चर्चित हैं, लोग वीडियो देख के दूर दूर से आ रहे हैं। सुधार होगा, पूरा सुधार होगा, शुक्रवार तक में तो हो जाना चाहिए।
जी और बोले कि महिला का इज्जत। अभी आप ही बताइए, आप ही से हम पूछना चाहते हैं, हम अकेला हैं देखने वाले, वहाँ 10,000 प्लस आदमी हैं, हम कितना को संभाल पाएंगे? अभी हमारे साथी दूसरे रिपोर्टर आपको बता रहे थे कि वहाँ अभद्र अभद्र कमेंट भी किया जाता है कि हम लोग यहाँ ऑर्केस्ट्रा देखने आए, जबकि वहाँ पे संतो बाबा का दरबार लगता है। हाँ तो भक्त का ही मन है ना, हम किसी के मन को बदल तो नहीं सकते हैं, जिसको मन में जो आते हैं बोलते हैं। लेकिन बाबा हम आपसे यही निवेदन करेंगे, कम से कम आप ऐसा दो लाइन बनाया जाए जिसके लिए महिला अलग रहे, पुरुष अलग रहे, उसके गाइडलाइन में आप अपने कुछ कर्मचारियों को रखें। आज समाज का निर्णय भी हुआ है, समर्थन भी मिला है, आज पूरा प्रतिनिधि के साथ आज समाज में बैठक हुआ है, और जो आप बोले हैं कि कार्यकर्ता के बारे में, तो 11 कार्यकर्ता चुना भी गया है, नाम भी लिखा गया है, और उनको कार्ड बना करके दिया भी जाएगा, सब कुछ एकदम फाइनली करके दिया जाएगा। वो व्यवस्था तो कल से होगा, लेकिन आज जो हो रहा है आज हो जाएगा, क्योंकि आज इतना भगदड़ है, इतना भगदड़ है कि अगर हम नहीं निकलते तो दिक्कत हो जाता। भगदड़ तो होना ही है सर, हर एक घर में बीमारी है, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं से वो लोग ठीक नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो देखता है तो दौड़ पड़ते हैं। देखिए ऐसा, यहाँ एक बात और है, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू आते हैं, नहीं ऑल कास्ट आते हैं, मैं जात धर्म की बात नहीं कर रहा। हाँ ऑल कास्ट आते हैं, किसके लिए, किसी के लिए यहाँ रोक छेक नहीं है। श्रद्धा मन में विश्वास लेकर के आइए, मन में तरंग बना करके आइए, मनोकामना पूर्ण होगा, और जो कमी था आगे से सुधार होगा। हाँ जो कमी है वो तो होगा, आगे सुधार होगा, और जो भी लोग आएंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने श्रद्धांजलि के लिए? जो भी आते हैं हम सबको यही आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर संतो बाबा धाम जीवछपुर महेशपुर सुपौल में आते हैं, कम से कम आते हैं तो विश्वास के साथ बैठे रहिए कि कब अर्जी लगे मेरा, कब हमको बुलाया जाए, तब आने का कोशिश कीजिए, तो सच्चाई आएगा सामने। आप नहीं बोलिए, बाबा से पूछिए हम कहाँ आए हैं, कौन चीज के लिए आए हैं, आप बताइए, तब न हुआ। आप लोग आते हैं भगदड़ मचाते हैं तो ये ठीक बात नहीं, हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से। आप जो विधि व्यवस्था का सुधार ला रहे हैं, लाइए, बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ता है तो प्रशासनिक मदद भी लीजिए, हम लोग भी आप लोग का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ से पॉजिटिव खबर जाता है कि जो भी आते हैं वो खुश होकर जाते हैं। देखिए प्रशासनिक तो व्यवस्था लिए हुए हैं, लेकिन विशेष तौर पर और भी लिया जाएगा, पहले प्रखंड में बोला गया था, अब जिला में बोला जाएगा, जिला से मांगा जाएगा, लेकिन उसके लिए तो आज 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 के बारे में बता रहे हैं, आज समाज का समर्थन मिलवे किया है, ठीक ना, इससे पहले था लेकिन इतना जोर में नहीं था जितना जोर में आज हमको मिला, नहीं तो हम 6 बजे वहां धाम लगा देते, अगर 6 बजे लगाते तो अभी तक में बहुत श्रद्धालु को मिल जाता। अंत में श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ अपील करेंगे? संतो बाबा का आशीर्वाद है, विश्वास श्रद्धा बनाइए रखिए, और आइए, यहाँ आप लोग का स्वागत रहेगा। तो हमारे साथ वही संतो बाबा थे जो महेशपुर में अपना जो है दरबार लगाए हुए हैं, और लाखों लोग जुड़ना शुरू कर चुके हैं, इसीलिए कुछ कमियां जो लगी हम इनसे डायरेक्ट आप लोग को सुनाने की का कोशिश किए, और आगे से आइए आप लोग, उस कमियों में सुधार रहेगा।